CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। समाजवादी पार्टी ने रैली की। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बागी नेता सभा में शामिल हुए। इस रैली को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी 11 मार्च की किसी ने टिकट बुक कर रखी है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इश्यू कर दिया, किस जमाने का वारंट इश्यू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी, छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं, कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। और हमें खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। आप